हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि मैं यूके में रहता हूं और आजकल यूके में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं उनके थोड़े हालात सही नहीं है। जैसे कि उनको काम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे काम की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और एक रूम नहीं मिल रहा, लोगों ने रूम करंट बढ़ा रखा है। जब भी आप इंडिया से आते हैं तो आप देख सो समझ के आओ, अगर आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड रहता है यहाँ पे उससे बात करके आइए भी काम के क्या हालात है, काम मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा और रूम का कैसे होगा, क्योंकि रूम का जो रेंट है यहाँ पे काफ़ी बड़ा हुआ है। अभी जो नॉर्मली पहले 500-600 में एक रूम मिलता था, बड़ा रूम मिल जाता था, अभी वही रूम आपको 800 में 900 में मिल रहा है। तो आप सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करो, ये ना हो कि आपका पैसा ख़राब, यहाँ पे आओ आपको काम ना मिले और आपका पैसा ख़राब हो जाए। तो प्लीज़ ये थोड़ा सोच समझ के आइए, अगर आना है तो आप वर्क परमिट पे या डिपेंडेंट आइए। डिपेंडेंट में जब आप यहाँ पे आते हो तो आप थोड़ा अपना इंडिया से पैसा लेके आइए, उसके अंदर अपना CSC कार्ड जरूर बनवाइए यहाँ पे आके पहले, जो लोग डिपेंडेंट वर्क परमिट पे आते हैं। अगर CSC कार्ड होगा, बैंक अकाउंट होंगे, आप इजी किसी कंपनी में लग सकते हैं। अपना NI नंबर, UTR नंबर बनवाइए, जिससे आपका बहुत हेल्प होगा। अगर आप ऐसे ही स्टूडेंट आएंगे आपका 20 hour अलाउड होगा, आपका फीस भी नहीं निकलेगा उसके अंदर से। तो प्लीज़ मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको मैं बता दूँ कि आजकल UK के क्या हालात हैं।